we have two terminals here. This is P terminal, this is N terminal. ठीक है, when you get a diode from the market, how does it look like? कैसा सा दिखता है? देखा कभी डायोड? सच नहीं देखा? छोटा सा सिलेंडर होता है, यहाँ तार निकली होती है, यहाँ तार निकली। ठीक है, तो यहाँ पे एक वाइट स्ट्रिप बनी होती है। सो दिस स्ट्रिप डिनोट्स एन टाइप एंड अदर एंड डिनोट्स। ठीक है, यू आस्क मी, मैं सारी चीजें दिखा दूंगा। आई हैव एवरीथिंग, उसको कहीं कहीं पड़े हैं और इकट्ठे करके दिखाने हैं आप। ठीक है, सो दिस इज सिंपल, छोटा सा होता है। इसका ये डायमीटर, दिस इज अबाउट 2 मिलीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होता। और इसकी जो लेंथ है, दिस इज मे बी 1 सेंटीमीटर, उससे भी और छोटी भी हो सकती है, हाफ सेंटीमीटर तक भी हो। ठीक है, या तो ये स्ट्रिप बनी होगी, और दूसरा शेप इस प्रकार का होता है, ऐसे गोल होता है। है, जहां ये गोल शेप दे देते हैं तो वो एन साइड हो जाती है, जहां फ्लैट शेप है वो पी साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मार्केट में हमें मिलते हैं। ठीक है, इन सबके अलग अलग नंबर होते हैं कंपनी के हिसाब से, और इनकी खुद कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के हिसाब से शॉपकीपर आपको पूछता है कौन सा चाहिए। या तो आप नंबर बोलोगे, मुझे यही वाला चाहिए, ठीक है, या फिर आप सिंपल बोलोगे मुझे पावर सप्लाई में यूज करना, रेक्टिफिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, तो फिर वो जनरल पर्पस डायोड्स होते हैं। नाउ व्हेन डू वी से ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख लीजिए, ए डायोड इज सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड व्हेन इट्स पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन साइड ऑफ द डायोड। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल यहां से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल यहाँ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पी साइड का क्या मतलब हो गया? पॉजिटिव। पी साइड का मतलब पॉजिटिव, ये पी का मतलब पॉजिटिव। हमने बोला ना हायर पोटेंशियल, अभी हमने बोला पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एन साइड। ठीक है, तो मैं इसको हायर पोटेंशियल कैसे दे सकता हूँ? मान लो मेरे पास एक, ये सिंबल किस लिए समझते हैं आप? ये सिंबल किसका है? वेरिएबल पावर सप्लाई। कैसा है सिंबल? वेरिएबल पावर सप्लाई, मतलब मैं वोल्टेज कम ज्यादा कर सकता। ठीक है, अब ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये निगेटिव साइड हो गया, तो ये पॉजिटिव साइड में कनेक्ट कर देता हूँ पी साइड को, और ये एन साइड कनेक्ट कर देता हूँ एन को। ठीक है, और अभी मैंने इसको वोल्टेज को जीरो रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? जीरो। तो जीरो वोल्टेज रखा हुआ है तो यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जीरो वोल्टेज में यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जैसे ही मैं यहाँ पे वोल्टेज देना शुरू करूंगा, सपोज आई गिव 0.2 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होल्स है, कुछ करेगा इसमें और पॉजिटिव होल्स भरेगा। ये पॉजिटिव यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उनको खींच लेगा और होल्स भर देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, यहां से हटने लग जाएंगे, क्योंकि तो जब ज्यादा होल्स आ गए इधर, और यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर इस जंक्शन वाले होल्स के अंदर जाके बैठना शुरू कर दे। तो इफेक्ट क्या हुआ?
कि जो मेरा डिप्लीशन रीजन था अब ये श्रिंक होना शुरू हो जाए। देन आई अप्लाई दिस पॉजिटिव वोल्टेज ग्रेजुअली अक्रॉस दी जंक्शन पीएन जंक्शन ऑफ दी डायोड इन दी फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड मोड, राइट। द डिप्लीशन रीजन स्टार्ट श्रिंकिंग, ठीक है। अब इसका बैरियर पोटेंशियल कितना बताया था, 0.6 to 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो जब तक मैं बाहर से 0.6 वोल्ट इसको दे रहा हूं, तो ये सारी वोल्टेज इस जंक्शन को खत्म करने में ही यूज होगी, ठीक है। 0.6 या 0.7 वोल्ट जो भी बताया मैंने, ये वोल्टेज इसमें करंट नहीं दे पाई, ये वोल्टेज डायोड में करंट नहीं दे पाई, ठीक है। तो नॉन ओमिक हो गया ना, ये वोल्टेज तो है करंट नहीं, जबकि वोल्ट ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। ये बात समझ में आ रही है, तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है क्या ये डिवाइस, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही। तो हाँ, नहीं करते, वही बता रहा हूँ क्यों नहीं करते, वो समझा रहा हूँ क्यों नहीं करते, दैट इज द रीजन, ठीक है। तो इनिशियल 0.6 और 0.7 वोल्ट इसकी जो डिप्लीशन रीजन है उसको श्रिंक करने में, खत्म करने में कंज्यूम हो गया है। इसके अलावा अब जो एडिशनल वोल्टेज और आएगी, 0.7, 0.8, 0.9 और वोल्टेज जो आएगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही डिप्लीशन रीजन खत्म होगा, ठीक है, ये साइड होल से फ्लडेड है, ये साइड इलेक्ट्रॉन्स से फ्लडेड है, ठीक है। इमीडिएटली क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिफ्यूजन फिर फ्री डिफ्यूजन होगा, क्योंकि दिस होल सबस्ट्रेट इज फुल ऑफ चार्ज कैरियर्स, एंड सबस्ट्रेट विच इज फुल ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। और क्योंकि बाहर की कंडीशंस उसको फेवरेबल हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं फटाफट यहाँ कलेक्ट हो जा रहे हैं, ये होल्स जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे फटाफट कलेक्ट हो जा रहे हैं, और ए फ्री करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। दिस इज फुल ऑफ चार्ज कैरियर्स, देयरफॉर डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द करंट, एंड व्हेन रेजिस्टेंस इज वेरी लो, ठीक है, तो करंट विल बिकम वेरी हाई। ये बात समझ में आई। तो डिप्लीशन रीजन खत्म होने के बाद जो करंट बढ़ता है, वो बढ़ता नहीं है, वो शूट करता है, इट राइजेस लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड मोड में इसका बिहेवियर कैसा हो गया, 0.6 वोल्ट तक तो हमें करंट नहीं मिलता, कंडक्शन नहीं मिलता, 0.5, 0.6, 0.7, यहां तो करंट नहीं है, कोई करंट नहीं, ठीक है। मगर यहां से करंट बिल्डअप होना शुरू होता है, और 0.7 आते आते, ये बात सुने, 0.5 वोल्ट तक तो कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर इस दौरान, एक बात ध्यान रखना, इस दौरान अगर कोई करंट मिला, ठीक है, तो वो नहीं। सिर्फ ड्रिफ्ट की वजह से होगा, वो ड्रिफ्ट की वजह से होगा, और वो ड्रिफ्ट करंट जो माइक्रो एम्पियर्स में होता है, वो ड्रिफ्ट करंट बेटा माइक्रो एम्पियर्स में होता है, और कर रहे हैं मिली एम्पियर्स, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर करंट इज 1000 टाइम्स लेस देन द मिली एम्पियर, ये चीज समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 0.5 तक कोई करंट नहीं होगा, 0.5 के बाद जब ये ऑफ ही होगी, ठीक है, करंट स्टार्ट, क्योंकि डिसअपियर हो गई है डिप्लीशन रीजन, अब डिफ्यूजन फ्रीली, इसलिए करंट शूट्स लाइक एनी, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज मेंटेन्ड नियरली 0.7 वोल्ट, इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट मेंटेन होता है, ठीक है।
चीज समझ आ रही है? 0.7 से आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, रेजिस्टेंस लो है, ठीक है, बहुत जल्दी बाहर डायोड की जो करंट कैपेसिटी है उसको आप एक्सीड कर जाओगे। इफ दिस डायोड इज मेड टू वर्क विद 40 मिली एम्पियर्स ऑफ करंट, दिस करंट विल एक्सीड 40 मिली एम्पियर लिमिट एंड आफ्टर दैट ये हीट अप होके बर्न हो जाएगा। ये बात समझे? हाँ बेटा। इफ दिस डायोड इज मेड टू कंडक्ट फॉर 4 करंट, ठीक है, इट विल कंडक्ट मोर देन 4 एम्पियर्स एंड इट विल बर्न आउट। तो जब भी हमें डायोड को यूज करना है तो हमें उसकी लिमिट का ख्याल रखना है, ठीक है, उतना ही उस पर लोड डालें जितना उसको डिजाइन के हिसाब से बनाया गया। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में क्या क्या तो खास बात देखी हमने, ठीक है, लिखो। ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज, ठीक है, इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं? बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज, दिस इज नी वोल्टेज, और इसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, ये नाम यूज होते हैं। बैरियर पोटेंशियल ज्यादा यूज होगा, ये भी यूज होते हैं, एक नाम और भी यूज होता है बैरियर पोटेंशियल, सॉरी फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल, ठीक है। उसका मतलब आप सीधे समझ रहे हैं, सिलिकॉन है तो 0.6 है और जर्मीनियम है तो 0.2 है। जर्मीनियम के केस में यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी खास बात क्या है? इन फॉरवर्ड बायस मोड कंडक्शन स्टार्ट्स आफ्टर 0.6 वोल्ट, ठीक है, 0.6 और 0.7 ये बहुत कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज होता है, सम बुक्स में से 0.7, सम बुक्स में से 0.6, ठीक है, और सम बुक्स में से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मगर वो नेग्लिजिबल होता है, शूट करता 0.6 या 0.5 के बाद, ठीक है, ये चीज समझ में। दूसरा पॉइंट लिखो, बिलो कट इन वोल्टेज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जंक्शन इज वेरी हाई, बट आफ्टर कट इन वोल्टेज द जंक्शन रेजिस्टेंस रिड्यूसेस टू वेरी लो वैल्यूज, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कंडक्शन नहीं हो रहा तब जंक्शन का रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में, मेगा ओम्स कितना होता है? हजार का 1000 गुना, 10 की पावर 6। जब कंडक्शन नहीं हो रहा होता है तब जंक्शन रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में होता है, ठीक है, कट इन वोल्टेज के बाद जब जंक्शन कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तब उसका रेजिस्टेंस सिर्फ कितना रह जाता है? 100 ओम्स, समथिंग लाइक दैट, इतना रह जाता है बस, ठीक है, वो मेगा ओम से रिड्यूस करके 1 किलो ओम से भी नीचे आ जाता है, ठीक है, इतना फर्क होता है। अब क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस जंक्शन रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, दी रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन, दी रेजिस्टेंस ऑफ दी जंक्शन इन दी फॉरवर्ड मोड चेंजेस डायनामिकली, स्मॉल आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, ठीक है, बिलो बिलो कट इन वोल्टेज एंड आर डी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किलो ओम और लेस आफ्टर कट इन वोल्टेज,